हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार। तो आज हम आए हैं फिशिंग करने के लिए समुद्र में। ये अनप्लान्ड था, ये मतलब ये प्लान नहीं था आने का, तो आ गए हम आज क्योंकि मेरा दोस्त था ना, उसको फिशिंग करना था, तो और घर आया था, फिर बोला वो मेरे को कि चलो भाई फिशिंग करने चलते हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर आ गए प्लान करके। अभी अनप्लान को प्लान कर दिए हम लोग। इधर में सब मैंग्रोव ट्रीज है, सब ये सब के रूट सब देख सकते हो, सही है एकदम। अभी हम यहाँ पे चारा ढूंढने आए हैं। चारा हमेशा हम सेम जगह फिशिंग करने आते हैं। रहेगा नहीं रहेगा, लगता वो खत्म हो जाएगा। फाइनली हम आ गए। अभी मैग्रोव का ट्रीज पूरा भरा है यहाँ पे समुद्र किनारे पे। तो यहाँ पे हम अभी चारा ढूंढेंगे। यहाँ पे जो घोंगा मिलता है, घोंगा जो समुद्र के बगल पर रहता है, तो घोंगा हम ढूंढने वाले हैं। फिर तो उसका हम चारा बनाएंगे, उसी से मछली पकड़ेंगे। तो अभी हम जाएंगे अंदर, कंटिन्यू बने रहो, देखते हूँ आज कैसा वीडियो बना पाता हूँ और कितना मछली मिलता है हमें। तो रात हो जाएगा, अभी टाइम हो रहा है 3:30 आसपास हो रहा है अभी, तो शाम हो गया है अभी फिलहाल। तो हम मछली पकड़ते पकड़ते शायद रात हो जाएगा, तो उसके बाद निकल के फिर दिखा दूँ कितना मछली मिला है हमें। तो पहले चारा ढूंढेंगे जाके, अभी मछलियों का चलिए चारा ढूंढेंगे, फिर उसके बाद उसको साफ करते उसके बाद मछली पकड़ने जाते हैं। पूरा मैग्रोव ट्रीस यार, वहाँ तक पहले इतना नहीं था, पहले बहुत कम था, पर अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। क्या हुआ है, क्या ये बड़ा सा थैला ले लिया हमने, मैंने देखो बड़ा सा थैला मेरे पास में है, इसमें अभी भरना है अभी चारा, तो अभी चारा ढूंढने के लिए जाएंगे ना। देखो भाई, चारा बोले तो चारा किसको बोलते हैं हम लोग, ये देखो चारा इधर है, ये घोंगा इसके रहते हैं, मैं बाद में दिखाऊंगा इसका पूरा। तो ये बड़े बड़े साइज का मिलता है यहाँ में, तो हम ज़्यादा बड़े बड़े साइज को उठाते हैं ना, क्योंकि छोटे वाले को नहीं उठाना चाहिए, बाद में काम आता है वो सब। तो साइज देख सकते हो ना, बड़ा बड़ा साइज है। यहाँ बहुत सारा है, मगर अभी हम अंदर जाएंगे अंदर। एकदम जाल सा बना हुआ है भाई यहाँ, तो कहाँ से जाऊं। देखो यार एकदम भाग, एकदम ध्यान से जाना पड़ेगा। देख सकते हो ना, इतना जाल सा बना हुआ है पूरा जड़ का, जिसकी वजह से मिट्टियाँ तो मुश्किल है जाना, जिसकी वजह से समुद्र किनारे मिट्टियाँ रुकी रहती है। अभी मेरे को और अंदर जाने का है, फिर उधर में मिलेगा चारा। रास्ता तो था यार पहले यहाँ पे, लेकिन अभी तो कुछ नहीं। अरे भाई रास्ता किधर से है, भाई जड़ में चढ़ चढ़ के जाते हैं।
बाबा लोग जा रही। रास्ता पता करना बहुत मुश्किल हो गया यहाँ। पैनल निकल गया थोड़ा बाहर। यार यहाँ से रास्ता था यार, उधर से घूम के आया जंगल के उसका बीच से। ये लो भाई पानी अभी चढ़ रहा है यार, गलत टाइम में आ गए हम लोग। पानी जब उतरता रहता उस टाइम आने थे, बट लेट हो गए। देख सकते हो ना अभी पानी चढ़ रहा है। अभी हाई टाइड हो गया है, स्टार्ट हो गया हाई टाइड। लो टाइड का टाइम खत्म हो गया, अभी हाई टाइड स्टार्ट हो गया। तो अभी पानी चढ़ रहा है समुद्र का, तो हम चढ़ते पानी मछली पकड़ेंगे। तो देखते हैं आज कितना मिलता है। ये सब जगह पानी पूरा सूखे रहता है उतर के, जब लो टाइड रहता है तो पानी पूरा उतर जाता है इस साइड में, बट अभी हाई टाइड हो गया है तो पानी चढ़ रहा है फिलहाल अभी। तो मेरे को फटाफट ढूंढना पड़ेगा अभी चारा यहाँ में, और थोड़ी देर के बाद यहाँ पानी भर जाएगा साइड में। मछली मछली अरे समुद्र का किनारा। पानी चल रहा है भाई, पानी चल रहा है। चलो हमने निकाल लिया। थोड़ा सा होएगा इतना, हो जाए ना तेरे के लिए। देखते हैं इसमें से कितना हम लोग मछली मिलता है। वैसे हम गलत टाइम में आ गए, पानी चल रहा है अभी, जबकि हमें पानी उतरते टाइम में आना था, बट अभी पानी चढ़ रहा है तो फटाफट अब इसको तोड़ते हैं, इसका निकालते हैं अंदर चारा, फिर जाके मछली पकड़ते हैं जाके। छोटा सा कैमरा मिल जाएगा, सब मजा आ जाएगा। पानी में डुबा उबा के भी निकाल सकते। अब इसके अंदर का माल निकालने वाले। तो हमने चारा तोड़ दिया, फिर क्या ढूंढते हैं? छोटा सा पूछेंगे क्या करेगा। अभी हम जा रहे हैं समुद्र के किनारे पे, उस साइड जा रहे हैं, उधर मछली पकड़ेंगे जाके। पानी तो लगभग से चढ़ ही गया है फिलहाल, तो देखते हैं। इतना पानी में तो हम कभी जाते नहीं मछली पकड़ने। आज ट्राई करते हैं कुछ नया, कुछ बड़ा मिल जाए तो मजा आ जाए। वही तो सोच रहे, कुछ बड़ा मिल जाए तो अच्छा लगेगा, बट देखते हैं क्या मिलता है। बस रात का सब्जी का होने से बस है यार, इतना दूर आए हैं मछली पकड़ने के लिए, कुछ तो मिलना चाहिए। देखो यार पानी पूरा चढ़ गया सब। सूरज भी नीचे आ गया है थोड़ा, हमारे पास टाइम है अभी एक दो घंटा, और बाकी पेड़ वगैरह सब तो इधर देखो गिरे पड़े हैं यहाँ में पूरा।
मस्त जगह है, लेकिन भाई इधर देखो समुद्र के नाम बड़े बड़े पेड़ उंगली फड़ी है ऊपर ऊपर खाते आए थे ऐसे नीचे नहीं लगा फिर पकड़ टाइट कर एक बार इधर मुंह घुमा दिया तो आराम से भाई ये बड़ा मंडी उंगली काटता है तब भी डर लगता है लगा पतला जो पता नहीं चलता हुक लगा करके ये टोपी उपी है